हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए फिर से एक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आए, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करें, क्यों, क्या रीजन है, कैसे फ्रीज हो जाता है, कैसे हम इसे ठीक कराए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट हम कंसर्न आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर सके और उससे अकाउंट अनफ्रीज करा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। तो देखिए, बहुत बार आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आपका कोई कॉमन सर्विस सेंटर चल रहा है या फिर आप कोई शॉप कीपर है, कोई दुकान चला रहे हैं, या फिर आप USDT में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप किसी गैम्बलिंग एप्लीकेशन से, बेटिंग एप्लीकेशन से, या फिर जो लोन ऐप्स आते हैं क्विक 5 मिनट्स में आपको लोन मिल जाएगा, ऐसे सब एप्लीकेशन से अगर आप यूज़ करते हैं, इनसे पैसे आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं, तो देखिए आपके पास पैसे बहुत बार ये होता है कि फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाते हैं, फ्रॉड की मनी आ जाते हैं। जो आज के डेट में साइबर क्राइम चल रहा है, तो जो फ्रॉड हुआ मनी कहीं ना कहीं मार्केट में सर्कुलेट होते रहता है और वो आपके अकाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से देखिए कभी भी होता ये है कि साइबर सेल मनी जिधर जिधर ट्रैवल करता है, जिस जिस अकाउंट में जाता है उसे ट्रैक करता है और ट्रैक करके फ्रीज कर देता है। तो आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए तो सबसे पहले देखिए आपको एक मैसेज आता है कंसर्न बैंक के थ्रू कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, होल्ड लग गया है या फिर लीन लग गया है। तो आप कंसर्न बैंक को अप्रोच करें, ब्रांच में अप्रोच करें, बिकॉज आप किसी दूसरे ब्रांच में जाएंगे तो वो लोग जल्दी एंटरटेन नहीं करते। आप अपने बैंक में जाएं और मैनेजर से मिलकर उनसे सारी डिटेल्स लेके किस साइबर सेल से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्या रीजन है और किस आयोग के अंडर में ये मेल आया हुआ है, किस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू मेल आया हुआ है, ये सारा डिटेल्स ले, उनका नंबर ले, ईमेल आईडी ले, और ये सारी डिटेल्स लेने के बाद कंसर्न आईओ को आप अप्रोच करें और उन्हें बताएं कि आप ये रीजन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपने ये अमाउंट रिसीव करा था, आपके पास जो प्रूफ है वो सारे प्रूफ उन्हें सबमिट करें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल करें उन्हें, और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। पर देखिए इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ रहा है आज के डेट में, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जो कंसर्न आई है या तो उनसे बात नहीं हो पाती, फोन नहीं उठाते, तो या फिर जब बात होता है तो सीधे बोलते हैं आप इधर आ जाओ, इधर मिलके बात करेंगे। तो ऐसे में ये भी बहुत बार होता है कि आपसे मिसबिहेव या फिर आपसे ब्राइब मांगने तक की चीजें आती है सामने, बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और आप लोग मन में ये भी होता है कि अगर सपोज अकाउंट में पैसे कम है, मैंने छोड़ दिया, तो क्या हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए मैं दो चीजें हैं इसमें, अगर आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आपका नीचे लेवल पे है, 6-7 लेयर पे है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। छोटा अमाउंट है, अगर छोटा अमाउंट आया हुआ तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लेगी पुलिस, ऑब्वियसली आपको अरेस्ट नहीं करेगी और स्टेट में लेके नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, एक और बात बता दूँ, आज रिसेंटली आई वेंट टू वन ऑफ द साइबर सेल्स इन दिल्ली, जिसमें यह था कि दो लोगों को जो दिल्ली पुलिस थी उन्हें उठा के लेके आए हुए थे जयपुर से, क्योंकि ये साइबर का मैटर था। तो ऐसा नहीं है कि साइबर के मैटर्स में अरेस्ट नहीं होता, पुलिस अरेस्ट नहीं करती, करती है, बहुत लोगों को अरेस्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जेल भी जा रहे हैं, बट अगर आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये रही बात ये सारे स्टेप्स की, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और हमें कैसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करना है। एक बार आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप कंसर्न आईओ को बताएं, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, करा हुआ अकाउंट वो अनफ्रीज कर सकते हैं मेल के थ्रू। वो मेल करते हैं आपके कंसर्न बैंक के नोडल को और नोडल आपका बैंक अकाउंट रिलीज कर देता है, अनफ्रीज कर देता है। कई बार ये होता है कि अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट लीन लगा देते हैं, यानी अगर सपोज 5,000 रुपीज डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो वो अमाउंट होल्ड पे चला जाएगा, यानी उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, रेस्ट आपका अकाउंट काम करेगा, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं पैसे, रेस्ट आप फंक्शन कर सकते हैं बैंक के साथ। फिर अगर सपोज ऐसा प्रॉब्लम है कि आपका उनको सारे रिप्लाई, सारे जो भी उनको क्वेरीज थे वो सेटिस्फाई करने के बाद भी अकाउंट आपका अनफ्रीज नहीं हो रहा, तो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट को या हाई कोर्ट को अंडर रिट अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें कि कोर्ट के पास पावर है कि आपका बैंक अकाउंट रिलीज कर दे। जो बट देखिए कोर्ट में ये भी होता है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है कोर्ट हमेशा उसको होल्ड करके रखती है, लीन रहेगा उतना अमाउंट, बिकॉज कल को इन्वेस्टिगेशन होता है, कल को जो कुछ भी होता है, तो उसके वजह से जो भी उसमें पैसे हैं वो अगेन कोर्ट रिलीज कर सकती है जिसने कंप्लेन किया है उसके लिए। तो इसके वजह से कोर्ट कभी भी डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड रखता है, कोर्ट डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिलीज कभी नहीं करने देता, बिकॉज जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो पैसा लूज करा है उसको मिलता है जब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है अपने रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए।
देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम है आज के डेट में कि हमने तो गेमिंग से पैसे विड्रॉ किए थे, जेन्युइन पैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक मनी होता है, तभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी हेल्प होगा आर टीम विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आप ये ट्राई करें कि कम से कम ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जिसमें फ्रॉड मनी आने के चांसेस बहुत है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, आपको 5% मंथली रिटर्न मिलेगा, आप डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों से जरूर बचे। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।